अरे यार दोस्त, तुम मुझे जल्दी से भागना होगा। मेरे पीछे ही विल वेनम भैया लगे हुए हैं, ऊपर से कार्नेज भैया भी हैं। एक काम करता हूँ, मुझे सारे एवेंजर्स को जल्द से जल्द बताना होगा कि उस बड़े से ओशियनस ने वेनम भैया को ईविल बना दिया है और साथ में कार्नेज भी है। मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। अरे यार जार्विस भैया, प्लीज मेरे सूट की स्पीड बूस्ट कर दो ना। सनचैन, तुम्हारे सूट में काफी खराबियां हैं, उसकी वजह से तुम अभी ज्यादा स्पीड पे नहीं उड़ सकते। अरे यार आप भी ना चलो, कोई बात नहीं है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अरे बाबरे, देखो दोस्तों, वो रहे दोनों के दोनों मॉन्स्टर, बड़े बड़े टाइटन ओशियनस और पर्शियस। जल्द से जल्द जाता हूँ और एक काम करता हूँ, जल्द से जल्द अवेंजर्स को ढूंढना होगा। लेकिन मैंने जैसा कि देखा था, अवेंजर्स तो मर चुके थे, लेकिन पता नहीं, मेरे साथ मुझे लग रहा था वो इल्यूजन था। अरे एक मिनट दोस्तों, यहाँ तो सबके सब अवेंजर्स यहीं पे हैं। आयरन मैन भैया, आप कहाँ हैं? मुझे आपकी जरूरत है, जल्द से जल्द मेज बैंक आइए। हाँ बच्चे, बस मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, पता नहीं क्या परेशानी हो गई, मुझे जल्द जाना होगा। चलो बस, मैंने यहाँ पे सारा एरिया चेक कर लिया, यहाँ पे कोई भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सीन है। सर, असल में कार्नेज अपने भाई वेनम को ले गया है और वेनम की सारी यादाश्त गायब हो चुकी है। उसकी वजह से वो वापस से ईविल बन चुका है। अब वो सिंसोन के पीछे उसको मारने के लिए पड़ा है। अरे बाप रे, इसका मतलब वो कार्नेज था। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी परेशानी होगी। मुझे जल्द से जल्द सिंसोन के पास पहुँचना ही होगा। ठीक है, मैं मेज बैंक पे आ गया हूँ। एक मिनट, यहाँ पे सारे एवेंजर्स है ना। ठीक है, अरे बाप रे, आराम से चलता हूँ। ठीक है, तो बच्चे सिंचन, अब जल्दी बताओ मुझे क्या परेशानी है। अरे आयरन भैया, कार्नेज यहाँ पे आया था और वो डॉक्टर स्ट्रेंज भैया को काफी पीट पाट के और हमारे वेनम भैया को लेके चला गया। अब वेनम भैया हमारे वेनम भैया नहीं रहे, वो ईविल बन चुके हैं। दोस्तों अब तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, अब तो आप भी कुछ कर सकते हैं। ये ओशियनस भैया बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से तबाह करके रख रखा है। ऊपर से पता नहीं है, कभी मौसम खराब कर देते हैं तो कभी ठंड कर देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन पे। ओशियनस भैया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सिंचन, तुम डरो मत, हल्क तुम्हारे साथ है। अरे हाँ हल्क भैया, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं, आप इनका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि थोर भैया की पावर्स बहुत कम हो चुकी हैं और स्पाइडरमैन भैया का तो छोड़ो यार, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज भैया को तो बस भूख लगती रहती है और कुछ आता ही नहीं है इनको। बच्चे, वेनम और कार्नेज यहाँ आते ही होंगे तुम्हें खत्म करने के लिए। तुम मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, मैं हूँ ओशियनस यहाँ का राजा। मैं चाहूँ तो इस दुनिया को एक सेकेंड में बर्फ में जमा सकता हूँ, समझे तुम? ओशियनस, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरी दुनिया को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरी धरती को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मुझे पता है रेड हल्क भैया बोल रहे थे कि वो तुम्हें मारने का तरीका जानते हैं। जैसे वो मुझे उस तरीके को लेके आएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बच्चे तुम पागल हो गए का, रेड हल्क को कुछ नहीं पता मैं कैसे मरूंगा, वो तुम्हारा उल्लू बना रहा था। कार्नेज मेरे भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है यार, जल्दी बताओ हम इंसानों को कब घरने जाएंगे। मुझे वो सिंचन को जान से मारना है, मुझे उसको खाना है यार। वो बच्चा मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रहा था, इसलिए मुझे उसे जान से मारना है। पता नहीं वो कहाँ चला गया। चलो मेरे कारने जो भाई, चलते हैं ना है उनको मारने। हाँ वेनम मेरे भाई, तुम सही कह रहे हो, वो तो ओशियनस का शुक्र है कि तुम मेरे पास वापस से आ गए। मेरे बड़े भाई वेनम, अब हम इस दुनिया पे बहुत जल्द राज करेंगे, वो भी ओशियनस के साथ। चलो समय आ गया है उस सिंचैन बच्चे को यहाँ से, इस दुनिया से खत्म करने का। साथ ही साथ में सिर्फ वो बच्चा नहीं, हम अवेंजर्स को भी खत्म करेंगे। तो हम दोनों एक साथ चलेंगे और सबसे पहले हम उस सिंचैन बच्चे को मारेंगे, उसके बाद हम अवेंजर्स को भी खत्म कर देंगे। तो चलो वेनम मेरे भाई, साथ चलते हैं, उसके बाद ये दुनिया हमारी होगी। हाँ यार सही कह रहे हो मेरे कार्नेज भाई हैं, चलो जल्दी चलते हैं। वैसे ही मुझे यार बहुत भूख लगी है, कितनी बार बुलवाओगे यार, चलो जल्दी चलते हैं ना यार। हैं सही कह रहे हो मेरे भाई वेनम, देखो वहाँ रहे दोनों के दोनों टाइटन्स। तो चलो जल्दी से, मैंने अपनी पावर्स एक्टिवेट कर ली हैं, अब जल्द से जल्द चलता हूँ मैं लॉस सेंटोस की तरफ। वेनम मेरे भाई, मेरे पीछे आ जाना। तो ठीक है, मैं जल्द से जल्द जा रहा हूँ। सिंचैन तुम नहीं बचोगे, मैं आ रहा हूँ। वेनम मेरे भाई, ज़्यादा देर मत करना, मेरे पीछे ही आ जाना। मैं आ जाऊँगा भाई, आ रहा हूँ, बस हैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो मुझे जल्द से जल्द लॉस सेंटोस की तरफ चलना होगा। मुझे पहले लोगों को आना होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगी है और वेनम को भी काफ़ी भूख लगी है। तो वो रहा लॉस सेंटोस, मैं आ रहा हूँ। यार जल्दी से चलता हूँ। कार्नेज मेरा भाई तो आगे ही निकल गया यार, जल्दी चलना होगा। अरे यार मुझे बहुत भूख लग रही है। यार सिंचैन मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जल्दी चलना होगा मुझे यार। अब देखता हूँ सिंचैन को कौन बचाएगा। तुम लोग भी सिंचैन को नहीं बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता सिंचैन को। मज़ा आएगा, वो मेज बैंक पर है मैं जानता हूँ। मैं बस बहुत जल्दी पहुंचने वाला हूं, फिर सिंचैन मेरा शिकार होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, जल्दी चलता हूं यार। कार्नेज मेरे भाई कहां हो? हां भाई मैं तुम्हारे आगे ही हूं, जल्दी आ जाओ। बच्चे मुझे गुस्सा मत दिलाओ, देखो तुम्हारा बहुत हुआ, तुमने मुझे बहुत धमकियां दे ली। मुझे लग रहा है कार्नेज और वेनम इधर ही आ रहे हैं, इसलिए बहुत हुआ। अब देखो मैं तुम्हारे शहर लॉस सेंटोस को कैसे पूरी बर्फ में जला दूंगा, मेरा मतलब है ढक दूंगा। देखो मैं क्या करने वाला हूं। ओशियनस तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अगर तुमने ऐसा कुछ किया
किया तो अवेंजर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। बच्चे ये दम क्या तुम देते रहो, देखो ये क्या करता हूँ मैं, बस मैं तीन गिनते ही तुम्हारा सारा शहर जला दूंगा। 1, 2 और 3, देखो तुम्हारा शहर कैसे जम चुका है बच्चे, दिख तो रहा है ना तुम्हें। अरे नहीं दोस्तों, ये क्या हो गया, इसने तो फिर से हमारे शहर को चला दिया। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मुझे जल्द से शूट में जाना होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ी, अरे बाप रे, अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे शहर के लोग जम जाएंगे और पूरा लॉस सैंटोस को छोड़ के भाग जाएंगे सारे लोग, फिर हमारे शहर का क्या होगा। चार्विश भैया मुझे जल्द से जल्द शूट पहना दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे यार ये चार्विश भैया क्यों नहीं सुन रहे, अरे बाप रे दोस्तों मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से आयरन भैया के पास जाता हूँ। अरे बाप रे आयरन भैया मुझे शूट पहना दीजिए, मुझे ठंड लग रही है। आयरन भैया सुनिए ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज जल्दी से शूट पहना दीजिए मुझे। बच्चे ज़्यादा ठंड होने की वजह से मेरा सिस्टम जाम हो गया है, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, मेरा सूट ऑफलाइन है, इसकी वजह से मैं तुम्हें सूट नहीं पहना सकता, अब तुम्हें मैनुअली सूट पहनना होगा। अरे भैया लेकिन मैं मैनुअली सूट कैसे पहनूँ, मेरे पास नहीं, मुझे नहीं पता कैसे पहनते हैं। अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, मुझे नहीं पता क्या करूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बाप रे क्या करूँ दोस्तों, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मुझे ठंड ना लगे और मेरा ब्लू आयरन मैन का सूट मेरे शरीर में आ जाए, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, तो ठीक है मैं 1, 2, 3 गिनने वाला हूँ, जल्दी से कमेंट में यश लिखो अगर आप चाहते हैं मुझे शूट मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मैं गिनने वाला हूँ 1, 2 और 3। अरे पाप रे दोस्तों शूट तो आया ही नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं 1, 2 और 3। अरे वाह दोस्तों मुझे लगता है शूट आ गया, हाँ दोस्तों अब जाके आराम मिला, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, ऐसा लग रहा था मैं कुछ ही सेकंड में मर जाता, लेकिन मैं बच गया। अरे बाप रे दोस्तों देखो शहर में कोई भी नहीं है, ना ही कोई गाड़ी है, ना ही इंसान है, सब गायब हो चुके हैं ये देखो। अरे बाप रे मेरे हिसाब से आधे लोग तो जम के मर गए होंगे, बाकी के लोग लॉस सैंटोस को ही छोड़ के भाग गए, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। अब मेरे हिसाब से मुझे जल्द से जल्द वैनम भैया को ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे उन्हें फिर से नॉर्मल करना होगा, तो जल्द से जल्द जाता हूँ। लेकिन दोस्तों देखो पूरे शहर में क्या तबाही मची हुई है, कोई है ही नहीं, पूरे शहर में सब गायब हो चुके हैं, ये तो बहुत बड़ी अपोकलिप्स हो गई दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा उस ओशियनस को कैसे हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अरे यार मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, और ऊपर से अब मैं आयरन मैन भैया से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑफलाइन हो गया हूँ। अरे यार ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई दोस्तों, एक काम करता हूँ जल्द से जल्द मैनम भैया को ढूंढता हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें ठीक करना ही होगा, तो चलो दोस्तों जल्दी से चलते हैं मैनम भैया को ढूंढने। अरे बाप रे दोस्तों ये पीछे साउंड, अरे बाप रे ये क्या हुआ दोस्तों। अरे हाँ दोस्तों याद आया, मैं तो ऑफलाइन उसकी वजह से मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया, ये रहे वैनम भैया। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार ये लो, अरे बाप रे क्या हो रहा है, गणेश भैया छोड़ो मुझे। अरे यार दोस्तों मैं आयरन मैन भैया को कॉन्टैक्ट कैसे करूँ, अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, आपको कॉमेंट में लिख के बताना होगा आयरन मैन भैया को और थोर भैया को कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, जल्दी से कॉमेंट में लिखो। अरे बाप रे, अरे यार क्या करूँ, एक मिनट, ये लो गणेश भैया और पिटो। अरे वैनम भैया मत मारो, मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ, अरे तो मुझे ही मार रहे हैं, क्या करूं दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से आयरन मैन भैया भी पता नहीं क्या है। काम करता हूं दोस्तों, अब मुझे ही कुछ करना होगा अपने आप को बचाने के लिए, मुझे लोगों से फाइट करनी ही होगी। माफ़ करना वैनम भैया, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मारना होगा, माफ़ करना। अरे यार दोस्तों मैं ऐसा नहीं, अरे बाप रे कांडित भैया आपको तो नहीं छोड़ूंगा। ये ले हैं सिंचन, तू मुझे मारेगा है, तुझे नहीं छोड़ेंगे हम, ये ले हैं। अरे यार होश में आइए वैनम भैया, प्लीज़ याद कीजिए मैं आपका दोस्त हूँ, मैं सिंचन हूँ, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे बाप रे हैं, ये क्या हुआ, आयरन मैन कहाँ से आ गया एक साथ हैं। अरे थैंक यू दोस्तों, आपकी वजह से आयरन मैन भैया को पता चल गया। हाँ बच्चे मुझे तुम्हारे दोस्तों की वजह से पता चल गया कि तुम पे ये लोग हमला कर रहे हैं, अब तुम चिंता मत करो, इनको मैं देख लूंगा, और वैसे भी हल्क कुछ टाइम में आएगा और यहाँ पे थोर भी आ ही रहा होगा, तो चलो दोस्तों अब समय आ गया इन लोगों को दिखाने का, और ये लो कांडित भैया आपको नहीं छोड़ूंगा मैं, आपने मेरे वैनम भैया को कैसे इविल बनाया। अरे बाप रे यार मैं भी पीछा हूँ, एक मिनट दूसरा मोड यूज करता हूँ। अरे यार वैनम भैया आप मुझसे फाइट मत कीजिए, आप आयरन मैन भैया से लड़िए, मैं आपको मारना नहीं चाहता प्लीज। अरे यार ये तो मान ही नहीं रहे, मेरे से मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं सबको मारूंगा, एक मिनट इसको बताते हैं। ये ले पुलिस अंकल, आप मुझे पहले परेशान करने आ जाते हैं यार। अरे यार ये थोर भैया कहाँ रह गए। हाँ बच्चे बस वो रास्ते में, वो आ ही रहा होगा। ओके ठीक है। अरे बाप ये कहाँ चले गए, ये रहे कार्नेज भैया, एक मिनट कहाँ गए। अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरी शूट पे खराबी आ रही है, एक मिनट को बताता हूँ मैं। तो ये लो पुलिस वाले, तुमने मुझे परेशान करके। अरे बाप रे यार ये कार्नेज भैया पीछे से आ गए, एक मिनट जल्दी बताता हूँ। ओ वाह अच्छी बात है, जल्दी से दूसरा मोड यूज करता हूँ, ठीक है। और ये लो गोलियाँ खाओ मेरी आग। अरे यार वैनम भैया फिर से आ गया।
सारा परेशान करने के लिए। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। अरे पाप रे, इस बार तो दोस्तों बहुत हुआ। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा कि ओशियनस को कैसे हराना है, क्योंकि वो मेरे दोस्तों को ही विल बनाता जा रहा है। वो माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अरे यार प्लीज मत मारो मुझे, ये लो आपको नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा ये। अरे पाप रे दोस्तों, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक था। बच्चे नहीं छोड़ूंगा, मेरा नाम कार्नेज है, तूने मुझे कैसे मारा, ये ले और ये ले, मेरा भाई वेनम तुझे बहुत मारेगा बच्चे। अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरे शूट को डैमेज पहुंचा रहे हैं, नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप ये रहे, तू ये नहीं छोड़ेगा, हमारे बाप ने पीट दिया हमको यार। अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मार दिया इन भैया इनको। अरे बाप रे, इतने जल्दी से। अरे बाप रे, मैं तो हेल्प भी नहीं कर पा रहा, बहुत बड़ी परेशानी हो गई दोस्तों। नहीं छोड़ूंगा।